बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी AQTV से हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे जुलाई में आलमी और सियासी हालात जायचा न्यू मून की रोशनी में किस रुख का इशारा देते हैं। 8 जुलाई से लेकर 18 अगस्त दौरे केतु में नाज़रीन, चाँद का ये साया केतु के नवें घर जो कि अदलिया मज़हब के घर होने से मज़हबी मकामात की हिफाजत, बिजली घर या एटमी तवानाई, रिएक्टर, दीगर एजादात और एयर स्पेस के मामलात, अस्करी नौयत के मेज़ाइल, एयरफोर्स और सिविल हवाबाजी के इदारों में महारत, हिफाजत, पेशावराना सलाहितों को बुलंद करने के लिए मुतलका इदारों को चुकन्ना रहने की ज़रूरत पर ज़ोर देना होगा। इस दौरान बिजली के बहरान से निपटने के लिए कोई बेहतर आसान हल से तवानाई की सलाहितों में यकीनी इजाफा मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम जायचा न्यू मून को देखते हैं कि सियासी नजूम में आसमानी काउंसिल पर जायचा न्यू मून और शमसी ग्रहण का हुस्न इत्तफाक से मुश्तरका जायचा अपने अंदर नहायत बद असरात लिए चौथे घर में तलू हो रहा है। ताले का हाकिम कमर ग्रहण ज़दा शम्स के हमरा सियासी जायचे में चौथे घर में नहायत अहम तसव्वुर किया जाता है। मुल्की आराजी, ज़रात, काने, मादनियात, ज़मीनी मौसलात, बौंचाल, जलजले और हकूमत अपोजिशन का घर ताले के दर्जात राहु केतु के दर्जात को मुतासिर कर रहे हैं। अपोजिशन हकूमत को गिराने और असम्बली से बाहर भरपूर एहतजाज करेगी। एहतजाज की आड़ में तखरीबकारी, दहशतगर्दी के खदशात हैं। वजारत दाखला को चुकन्ना रहने की ज़रूरत है और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इधर 10वें घर में सरबराहन के घर 12वें फेली नहस सितारा जोहल केतु के साथ हालत किरान में होने के सबब अहम मजहबी सियासी शख्सियात सरबराह ममलिकत को अपने प्रोटोकॉल का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इनके खिलाफ सियासी, जानी, माली नुकसानात की साजिशें रवामा और ख़ास तौर पर 17 जुलाई तक के आयाम नहायत नाकिस समरात के हामिल हैं। हकूमती वजारतों में ओहदों में रद्दोबदल हो सकता है। सितारा जोहल को आम तौर से सियासत का सितारा समझा जाता है। ये जितनी जल्दी तरक्कियां देता है इतनी बुरी तरह उलट पलट भी देता है। जोहल की मनहूस नशिस्त हकूमती पार्टी की बदनामी और बेवकारी, हंगामे और इनकलाब, तख्त या तख्ता जैसे बुरे हालात पैदा कराता है। तब्दीली निज़ाम, सदारती निज़ाम, मार्शल लॉ की अफवाहें पहले ही गर्दिश में हैं। अचानक सियासी हालात की खराबी, मिड टर्म इलेक्शन या रेफरेंडम की जानब सियासी सूरत हाल को धकेल सकती है। इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।